वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, क्या उनमें सेम टाइप्स के टिश्यूज रहते हैं? क्या प्लांट्स और एनिमल की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है? क्या इनके फंक्शन एक जैसे होते हैं? तो ये सब देखने के लिए हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। हाँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो देखो, एक बार हम उनको जहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद वो थोरोली लाइक वहीं पे रहते हैं। तो क्या हो गया, दे आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी ब्रांचेज और जो लीफ हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जो प्लांट की लोकेशन है वो चेंज नहीं होती। सो दे आर फिक्स्ड। जबकि एनिमल्स का तो हम सबको पता ही है कि एनिमल्स मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फ्रेंड्स, शेल्टर, मेट्स, है ना। तो एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते ही हैं। तो अब यहाँ पे प्लांट में देखिए, प्लांट को क्या है कि इनको ऊपर रहना, मतलब प्लांट क्या करते हैं, जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इनकी रूट्स नीचे की तरफ और जो स्टेम है वो अपवर्ड मूव करता है। तो सिंस दे हैव टू बी अपराइट। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब मान लो यहाँ पे जैसे कोई प्लांट है, तो ये सपोज करो ये प्लांट का स्टेम है, ये ग्राउंड है, नीचे रूट आ गई। अब प्लांट क्या है, सीधा ही तो रहता है। अब यहाँ पे इसका स्टेम कितना भी बड़ा हो, फिर ब्रांचेज हो जाएंगी, है ना। तो क्या होगा, प्लांट्स को कैसे रहना पड़ता है, अपराइट, मतलब ऊपर सीधा खड़ा रहना पड़ता है। तो इसमें लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यूज चाहिए, ठीक है। और जो सपोर्टिव टिश्यूज हैं, दे जनरली हैज डेड सेल्स। जबकि हम एनिमल्स टिश्यूज की बात करें, तो हम पहले बात करेंगे एनिमल्स की। एनिमल्स मूव करते हैं, एनिमल और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिनमें वो क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो कंपेयर टू प्लांट्स, जो एनिमल्स हैं दे कंज्यूम मोर एनर्जी। तो यहाँ पे जो टिश्यूज हैं, इनमें जो सेल्स होती हैं, दे आर लिविंग सेल्स। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर लिविंग इन केस ऑफ द एनिमल्स। अब हम फिर से प्लांट पे आते हैं। जो ग्रोथ है प्लांट में, इट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। देखिए, समझते हैं, प्लांट्स के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं, वो अपनी थोरोली लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। और ये जो टिश्यूज हैं, जो डिवाइड करने वाले या ग्रोथ करने वाले टिश्यूज हैं, ये सर्टेन रीजन्स में लोकेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। यहाँ पे ऐसा कुछ डिमार्केशन नहीं है कि ये डिवाइडिंग रीजन है और ये नॉन डिवाइडिंग रीजन है। यहाँ पे सर्टेन रीजन में ग्रोथ लिमिटेड नहीं है, जबकि प्लांट में आप देखोगे कि सर्टेन रीजन में ग्रोथ जो है होती है। और मतलब आप आगे हम इसको समझेंगे चैप्टर में कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे आप मान के चलिए कि प्लांट के केस में ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। अब जैसे हमने बताया कि एनिमल्स में ना हमारी जो लाइफ एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो हमारे जैसे अगर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को आप देखोगे, तो एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ऑर्गन्स जो है एक स्ट्रक्चरल वे में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे हाथ पैर का मूवमेंट का काम होता है, नर्वस सिस्टम का मैसेज भेजने का काम है। तो सिमिलरली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हमारे यहाँ पूरा मतलब एक सिस्टम डिवाइड है। तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। क्योंकि देखो, आप आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में या क्लास टेंथ में हमारा पूरा सिस्टम का पार्ट है कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, कि कौन कौन से प्रोसेसेस हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं डे टू डे, मतलब जब तक इंसान जिंदा है, जब तक कोई एनिमल्स जिंदा है। तो ये जो है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशलाइज्ड होती है और लोकलाइज्ड होती है, जबकि प्लांट में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्लांट सिस्टम भी आप देखोगे, तब भी वहां पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन या लोकलाइजेशन है। फिर हमारा, जैसे अगेन हमारा लास्ट पॉइंट में हम यही बताना चाहेंगे कि जो प्लांट टिश्यूज हैं, दे आर एडेप्टेड फॉर ए सिडेंट्री एग्जिस्टेंस। सिडेंट्री एग्जिस्टेंस का मतलब समझते ना, एक स्थायी अस्तित्व। लेकिन एनिमल के केस में एक्टिव लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट होती रहती है। सो यहाँ पे हमने एक जो मेन डिफरेंसेज हैं प्लांट्स टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बारे में, वो समझे। उसके बाद डिटेल में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।